कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो कवि कर्मणि। श्री विष्णु पुराण ओम की कथा महान जय श्री विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण प्रकटे और योग ध्यान विष्णु पुराण विष्णु पुराण विष्णु पुराण। मैं मां हूं, धरती मां। महानता का मार्ग सरल नहीं होता। महानता को प्राप्त करने के लिए त्याग और धैर्य की शक्ति आवश्यक है। संसार में जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं वे फूलों की सेज पर नहीं पले, उन्हें कांटों भरी राह पर चलना पड़ा है। उन्हें महलों का सुख तज कर वीरानों में भटकना पड़ा है। प्रहलाद को भी महान बनना है, सो उसे भी ये सब सहना है, ये सब झेलना है। हिरण्यकशिपु अहंकार के हाथों ये भी भूल बैठा है कि प्रहलाद उसी का पुत्र है, उसी का रक्त है। किंतु क्या हिरण्यकशिपु प्रहलाद की महानता का रास्ता रोक सकता है? क्या प्रहलाद का धैर्य हिरण्यकशिपु के अहंकार से हार मान सकता है? पुत्र के विश्वास और पिता के अहंकार के इस युद्ध में अभी कितने मोड़ आएंगे, मैं इसे बहुत ध्यान से देख रही हूं। ए, क्या ले जा रहे हो? अनाज लाया हूं माई बाबू। ए बालक, कौन है तू? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारी गाड़ी में कैसे आए? मुझे कुछ पता नहीं, ये बालक मेरी गाड़ी में कहां से आया, कैसे आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या तुम जानते नहीं, ये राजकुमार प्रहलाद हैं। तुमने इन्हें शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मेरी बात का विश्वास कीजिए सैनिकों, मुझे कुछ पता नहीं ये मेरी गाड़ी में कैसे आ गए, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इसका कोई दोष नहीं सैनिकों, इसे तो स्वयं पता नहीं कि मैं इस दुखियारे की गाड़ी में कब और कैसे आ गया। लगता है यह मेरे भगवान विष्णु की लीला है। पकड़ इन दोनों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बहुत शुभ समाचार है।
क्या समाचार है? राजकुमार प्रहलाद जीवित और सुरक्षित हैं। क्या? कहाँ है वह? कहाँ है मेरा पुत्र? उन्हें एक किसान की गाड़ी में पाया गया। भगवान हिरण्यकश्यपु के सैनिक उन्हें और किसान को लेकर भगवान के समक्ष गए हैं। तो फिर क्या लाभ? वे उसे फिर मार डालने की चेष्टा करेंगे। परंतु ये क्या कम है महारानी कि राजकुमार के प्राण बच गए हैं? ऊंचे पर्वत से गिरकर कौन बचता है? तू सच कह रही है चित्रा? अब मुझे भी अपने पुत्र के विश्वास पर विश्वास होने लगा है। मेरा पुत्र सच्चा है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे उसके पास जाना चाहिए। दुहाई है भगवान, दुहाई है। मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। हे सर्वशक्तिमान, देखिए ये सैनिक मुझ पर कैसा अन्याय कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी में ये बालक कब और कैसे आया, और ये लोग कह रहे हैं कि ये आपका पुत्र राजकुमार प्रहलाद है, और मैंने इसे शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। तू फिर बच गया? हाँ पिताश्री, आपका आशीर्वाद है। कैसे बच गया तू? इसलिए पिताश्री, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है। मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। दुष्ट, ये जान ले, भली भांति जान ले कि यदि तेरे विष्णु की यह इच्छा है कि तू मरने न पाए, तो मेरा यह संकल्प है कि तू जीवित न रहने पाए। देखता हूं कब तक तेरा विष्णु तुझे बचाता है, कब तक। पुत्र, मेरा पुत्र, 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 मेरा पुत्र। सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। इस कृषक को मुक्त कर दिया जाए, इसका कोई दोष नहीं। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। और इसे मां की गोद से खींच कर कारागार की गोद में डाल दो, और सामंतों को लेकर मुझे मेरे मंत्रणा कक्ष में मिलो। अब इस दुष्ट के जीवन का अंतिम निर्णय मैं स्वयं करूंगा। देख लिया आपने क्या किया हिरण्यकश्यपु ने? मैं कह रही थी कि पुत्र प्रहलाद को जीवित देखते ही दुष्ट हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाएगा। आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रह्लाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है। Thank you.
वासुदेवाय। पुत्र माते आप? हाँ पुत्र। आपको यह नहीं आना चाहिए था। यदि पिताश्री को पता चल गया तो वो तुम पर क्रोधित होंगे। क्या करूं पुत्र, मेरे तो प्राण संकट में है। पति के क्रोध की भी चिंता है और पुत्र का प्रेम चैन नहीं लेने देता। पुत्र, क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं? क्यों नहीं माते, जीवन तो ईश्वर का सबसे अनुपम उपहार है। जीवन किसे प्यारा नहीं होता? जीवन में सबसे प्यारा स्वयं जीवन ही होता है। तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेता? क्या मान लूं माते? जो तेरे पिताजी चाहते हैं, जिसके कारण वे तेरे जीवन के बैरी बन गए हैं। माते, वे जो कहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं, उसका संबंध केवल जीवन से नहीं विश्वास से है। विश्वास जीवन से भी महान होता है। जो जीवन बचाने के लिए विश्वास बदल देते हैं, उनसे बड़ा कायर कोई नहीं होता। और तुम्हारा पुत्र कायर नहीं है माते, उसके शरीर का रक्त तुम्हारे पवित्र दूध से बना है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे विश्वास पर विश्वास रखो। मुझे मारने जिलाने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथों में है। यही तो देवर्षि ने शिक्षा दी थी। बहुत देर हो गई महारानी जी। महाराज के आदेश के विरुद्ध मैंने आपको राजकुमार से मिलने दिया। कृपया आप जाइए, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मेरे पुत्र का वध करना चाहा, किंतु आपने स्वयं देखा कि वो दोनों बार बच गया। इसे कुछ और नहीं तो प्रकृति की लीला समझकर अब उसके प्राण छोड़ दीजिए स्वामी। आप कहेंगे तो मैं अपने पुत्र को लेकर आपके राज्य की सीमाओं से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पुत्र को आपके समक्ष कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। महारानी, प्रश्न ये नहीं कि वो मुझे दिखाई देता है या नहीं, प्रश्न ये है कि वो मुझे ईश्वर मानता है या नहीं, या मेरी भांति विष्णु को अपना बैरी बनाता है या नहीं। यदि वो ये नहीं मानता और ऐसा नहीं करता तो उसका अस्तित्व मेरे लिए संकट है, और जो भी मेरे लिए संकट बनेगा उसे जीने का कोई अधिकार नहीं महारानी। उस पर नहीं तो मुझ पर दया कीजिए स्वामी। पिता को पुत्र पर दया नहीं आती तो माता को ही उसके जीवन की भिक्षा दे दीजिए।
महारानी, आप पत्नी भी हैं और माता भी। आप अपने जीवन के क्षेत्र का निर्धारण कर लीजिए। अब सोच लें कि आप पतिव्रत धर्म की सीमाओं में रहना चाहेंगी या उसे तोड़कर पुत्र मोह के घेरे में। महारानी, मैं केवल पिता ही नहीं, राजा और ईश्वर भी हूं। ईश्वर, और मेरे लिए ईश्वर होना पिता होने से कहीं अधिक महत्व रखता है महारानी। मैं एकांत चाहता हूं। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। भगवान, मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। मैंने स्वयं राजकुमार को परों से नीचे फेंका था। संयोगवश वो धरती पर गिरने के स्थान पर एक किसान के अन्न से लदी हुई गाड़ी में आ गिरा और उसके प्राण बच गए। संयोग नहीं था, यह भी विष्णु का दुष्कर्म था। उसी ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। सौर भानु, ऐसे संयोग मेरी सत्ता और ईश्वरत्व के लिए चुनौती है। ऐसे संयोगों को घटने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह संयोग इसलिए घटा है, जो कुछ हुआ वो आपकी दृष्टि से दूर हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों में प्रहलाद आ गया है। मुझे एक अनुपम उपाय सुझा है प्रहलाद की जीवन लीला का अंत करने का। क्या उपाय है? शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। प्रहलाद कारागार में बंद है। कारागार के समस्त बंदियों के लिए भोजन जलपान दिया जाता है। कल जब प्रहलाद को जलपान दिया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उसके जलपान में एक ऐसा विष घोल दूंगा जो उसकी जीभ से छूते ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। सुंदर, अति सुंदर स्वर भानु। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि दुष्ट प्रहलाद इस विष के प्रभाव से भी बच नहीं पाएगा? कदापि नहीं बच पाएगा प्रभु, कदापि नहीं बच पाएगा। समझ लीजिए कि कल प्रहलाद अपने जीवन का अंतिम सूर्योदय देखेगा। उसके उपरांत उसके जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। नारायण नारायण। हे देवर्षि, मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकश्यपु कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकश्यपु अब स्वर भानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वर भानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है।
ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। अरे माता तो विष का नाम सुनते ही अंतर्धान हो गई। क्या हुआ देवर्षि, आप आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रणाम जनार्दन। प्रणाम। मैं तो माता को यह सूचना देने आया था कि हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के वध की योजना बना रहा है, पर माता तो अंतर्धान हो गई। मैं सब देख चुका हूं देवर्षि, परंतु वह मूर्ख हिरण्यकश्यपु क्या जाने कि प्रहलाद के जीवन की योजना तो स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा बना चुके हैं। उसे तो केवल अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए देवर्षि। पर उसे तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने पहले ही जीवन का दान दे दिया है। पात्र और अधरों के बीच यूं तो दूरी बहुत कम होती है देवर्षि, पर पात्र के अधरों तक पहुंचने के बीच बहुत कुछ हो सकता है ना। पर माता अचानक चली कहां गई? आपकी माता ममता के बिना रह नहीं सकती, और ममता की भावना चिंता के बिना रह नहीं सकती। विष का नाम सुनते ही मन में भोले शंकर की स्मृति जाग उठी होगी, गई होंगी उन्हीं के पास। नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम महादेवी। देवी आप कैलाश पधारकर सदा मुझ पर उपकार करती हैं, पर मुझे दुख होता है क्योंकि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो आप मुझे ही बुला लिया करें। मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ भोलेनाथ, मैं जानती हूँ आप कितने उदार कितने महान हैं। परंतु देवी मैं तो वो झरना हूँ जो सदा प्यासे के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसीलिए तो सब आपको आशुतोष और दानी कहते हैं। देवी मैं आपके कैलाश पधारने का कारण जान सकता हूँ? हे भोलेनाथ, सृष्टि में विष की जानकारी आपको सबसे अधिक है। विष के प्रभाव को रोकना केवल आप ही जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको हलाहल पान करते हुए देखा था। हाँ दीदी, पर विष के प्रति आपकी रुचि का कारण क्या है? हे नीलकंठ, दुष्ट हिरण्यकश्यपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष भोजन में देकर मारना चाहता है। मारना चाहता है? किसी के प्राण लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया? हिरण्यकश्यपु किसकी सुनता है, वो मेरे वासुदेव का बैरी है और उसका पुत्र उनका परम भक्त। बस इसी कारण स्वर भानु के परामर्श पर कल प्रातः काल उस बालक के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई गई है, और विष इतना प्रभावशाली है कि जीभ से छूते ही मेरे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विष से रक्षा आपका क्षेत्र है नीलकंठ, इसलिए याचना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप प्रस्थान कीजिए देवी, आपने कह दिया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आप स्वयं चिंता करना छोड़ दीजिए। हे शिवशंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। रुको दासी, ले जाओ। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
क्यों? मेरा पुत्र कारागार में है, मैं कुछ और नहीं कर सकती। तो क्या अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती? तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम इसी बहाने अपने पुत्र से मिलना चाहती हो? पुत्र तो वो आपका भी है स्वामी, आप इसे माने या ना माने, किंतु यदि मैं उसे मिलना चाहूं या देखना चाहूं, तो क्या ये कोई अनहोनी बात होगी? क्या आप संसार की किसी ऐसी माँ को जानते हैं जो अपने पुत्र से मिलने के लिए या उसे देखने के लिए व्याकुल ना रहती हो? मेरे लिए वो केवल मेरा विद्रोही है, विद्रोही। किंतु मेरे लिए वो केवल मेरा पुत्र है। मुझे उससे घृणा है, अपार घृणा। मुझे उससे प्यार है। पिता पुत्र से क्रोधित हो सकता है, उसके प्रति कठोर और निर्दयी हो सकता है, पर माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति स्नेह के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि माँ अपने पुत्र से रूठ भी जाए तो भी वह उसका भला ही चाहेगी। मुझे अपने पुत्र के लिए इस छोटे से स्नेह प्रदर्शन से ना रोकिए स्वामी, मुझे उसे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दीजिए। ठीक है, मुझे आपकी विनती स्वीकार है, किंतु उसे भोजन करा के शीघ्र अति शीघ्र लौट आइएगा। जाइए। चलो दासी। यह आपने क्या किया भगवान? स्वर भानु, मैं माता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता था, किंतु तुम वहां जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, और शीघ्र अति शीघ्र लौटकर मुझे प्रहलाद की मृत्यु का समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। देखिए आपने हिरण्यकश्यपु की क्रूरता सर्वेश्वर। महादेवी, वो यदि क्रूर नहीं होता तो असुर क्यों कहलाता? पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूं कमलनयन, किंतु खेद इस बात का है कि माता को ज्ञान ही नहीं कि जो भोजन वो अपने पुत्र के लिए ले जा रही है वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकश्यपु प्रह्लाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने जा रहा है। पुत्र प्रह्लाद, नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम माते। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा है, तब तो भोजन करने में बड़ा आनंद मिलेगा। तुम जब भी अपने हाथों से मुझे भोजन कराती हो, मैं भूख से दुगना भोजन कर जाता हूँ। न जाने क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। आओ पुत्र। बड़ी कठिनाई से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दी है,
मैं तो ये सोचती थी कि न जाने कारागार में तुम भर पेट भोजन करते भी होगे या नहीं, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराना चाहती थी। तो कराइए ना माते, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। पुत्र, भोजन कैसा है? आहा, क्या स्वादिष्ट भोजन है, बड़ा आनंद आ गया। खीर, मेरी मन भावन खीर। माते, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। पुत्र, राजकुमार ने भोजन कर लिया? हाँ, किंतु उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, वो तो सारी खीर जल की भांति पी गए। क्या? तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें भोजन खिलाकर मैं तुरंत लौट आऊं, किंतु तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। माती, आप जाइए, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको पिताजी का क्रोध झेलना पड़े। स्वामी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद? किस बात के लिए धन्यवाद महारानी? आज कितने दिनों पश्चात मुझे अपने पुत्र को भोजन कराने का सुअवसर मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। यदि आपका मन ना पसीता तो मैं आज ना अपने पुत्र से मिल पाती ना उसे भोजन करा पाती। उसने खीर पी? हाँ स्वामी, खीर तो उसका मनभावन पकवान है, वह खीर पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपका पुत्र सर्वथा स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ, और आपकी कृपा से बहुत रिष्ट पुष्ट भी। कारागार के कठोर जीवन का उस पर कोई प्रभाव नहीं। स्वामी, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। जय हो।
महारानी, राजकुमार स्वस्थ तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? विचित्र बात है, आज तो जैसे अचानक सभी को मेरे पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता हो गई है। अरे बावली, पुत्र ने अपनी माँ के हाथों से भोजन किया है, यदि उसे कुछ होता भी तो माँ के हाथों से खिलाया भोजन खाकर वो ठीक हो जाता। पर बात क्या है महारानी? महारानी वो क्या बात है? तू बता दे, बता दे, चुप क्यों हो गई? बता क्या बात है, बोल। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है? वही हुआ है महारानी, वही हुआ है। क्या हुआ है, बोल। आपने जो भोजन राजकुमार को दिया था उसमें विष मिला हुआ था। क्या? हाँ महारानी, दुष्ट स्वर भानु ने मेरे सामने खीर में विष टपका दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे दुष्टा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भगवान हिरण्यकशिपु के भय से मेरे मुख पर ताले पड़ गए थे महारानी। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? मैं अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े को विष खिलाई? नहीं, नहीं। वासुदेवाय। पुत्र, पुत्र। नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हुआ माते? पुत्र, तो बिल्कुल ठीक तो है ना? मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, मुझे क्या हो सकता था? मेरा पुत्र, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र। क्या बात है माते? तूने जो खीर पी थी उसमें दुष्ट स्वर भानु ने विष मिला दिया था। मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए थे पुत्र, परंतु तू बच गया। तुझे कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। माते, मैंने विष्णु भक्ति का कवच पहन रखा है, मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। तुम पिताश्री के भय से कह नहीं पा रही हो, किंतु तुम भली भांति जानती हो कि कौन मेरी रक्षा कर रहा है, कौन मुझे बार बार बचा रहा है। तुम भले अपने मुख से नाम ना लो, पर मैं बार बार उसी का नाम लूंगा। विष्णु, विष्णु, विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर पर विश्वास हो जिसका अड़िग अपार, हानि न हो उसको भले शत्रु बने संसार। एक न पापी की चले कर ले लाख उपाय, जिसे बचाए वह उसे विष भी मार न पाए, विष भी मार न पाए। जो सुने चल सुजान विष्णु